जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। आप लोग कैसे मित्रों? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा वशीकरण लेके आई हूँ। आप घर बैठे बिठाए वशीकरण कर सकते हैं। अगर आपको किसी से बहुत ही सच्चा प्यार हो गया है, आपका प्यार आपसे दूर चला गया है, चाहे वो प्रेमिका हो या प्रेमी हो, अगर आपका प्रेमी आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, या आपके पति आपसे बात नहीं कर रहे, आपकी पत्नी आपसे बात नहीं कर रही है, या आपसे दूर चली गई है, या बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ऐसा वशीकरण करके और अपने प्यार को फिर से मन चाहे प्यार को पा सकते हैं। और आप इसका बहुत ही इजी तरीके से वशीकरण कर सकते हैं घर बैठे बिठाए। तो आज आपको मैं ऐसे ही बताऊंगी कि भोजपत्र और बाल से कैसे वशीकरण करना है आपको। इससे बिल्कुल पचन तरीके से होता है, जैसे कि असम बंगाल में होता है, बिल्कुल इजी तरीके से वैसे ही काम करेगा ये। एकदम ही उसी पल से, जिस पल आप इस वशीकरण का कार्य करेंगे, उसी टाइम से उस व्यक्ति के ऊपर वशीभूत वो हो जाएगा और उसी टाइम से आपका काम करना शुरू कर देगा ये वशीकरण, एक ही पल में। और बगैर मंत्र का बताऊंगी आज, कोई भी आपको तंत्र मंत्र कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान तरीके से वशीकरण लेके आए हैं कि आप खुद ही से ही कर सकते हैं इसको। आपको करना क्या है कि आपने भोजपत्र एक लेना है। भोजपत्र लेकर आप बिल्कुल साफ़ सुथरे स्वच्छ हो जाएं और आप कोई भी ऊनी कपड़ा डाल के और बैठ जाएं। आपने पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके बैठ जाएं, ठीक है। और उसके बाद आपने एक भोजपत्र लेना और जिस व्यक्ति को आप वशीभूत कर रहे हैं, वशीकरण जिसका कर रहे हैं, आपने उसके बाल लेने हैं। बाल लेके भोजपत्र के ऊपर अपने मन चाहे प्यार का नाम लिख लें, अपना नाम लिख लें, और उसके ऊपर आपने बाल रख देना है। रखने के बाद आपने उसे लपेटना है। लपेट के, जैसे मैं यहाँ पे लपेट रही हूँ, वैसे ही आपने लपेट लेना है और इसको काले धागे से बांध लेना है। काले धागे से बांध लें और इसको रात्रि को 2 बजे इस वशीकरण का कार्य करना है। शनिवार या शुक्रवार के दिन आप इसे कर सकते हैं। रात्रि को 2 बजे आपको जो टाइम बताया गया, आपने बिल्कुल उसी टाइम ही करना है। 2 बजे आपने उठना है और उसके बाद इस वशीकरण को करना है। जैसे आपने इसको लपेट के और बांध लिया है, बांधते ही आप इसको रख लें, रख के और आप इसको तकिए के नीचे रख के और सो जाएं। सुबह होने तक का वेट करें। आपने इसको ऐसे ही बांध लेना है, बांध के और आप इसको अपने बिस्तर के नीचे रख लें। रखने के बाद आप सुबह तक वेट करें। सुबह जैसे आप उठ के और आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और आप पीपल के पेड़ की किसी टहनी के ऊपर इस बाल और भोजपत्र के जो धागे को आपने बांध रखा है, इसको वहाँ पे किसी भी टहनी पर बांध दें। जब तक ये वहाँ पे बंधा रहेगा लाइफ टाइम के लिए, तब तक वो व्यक्ति आपसे वशीभूत रहेगा। बिल्कुल ही मोहिनी वशीकरण होता है ये। इससे बिल्कुल इतना आकर्षण बढ़ जाएगा कि आपसे इतना आकर्षित वो रहेगा कि आप जैसा चाहते हैं, जैसा आप उसको कहेंगे, वैसा ही वो आपसे आपकी बात मानेगा और आप इसके साथ वैसे ही रहेगा। तो आप अपने रूठे हुए प्यार को और मन चाहे प्यार को ला सकते हैं अपने पास। कितनी भी दूर रहता हो, कितनी भी किसी भी जगह रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, आपसे वो बात करेगा। आपसे जैसे आप बेचैन हैं उसके लिए, वैसे वो भी आपसे बेचैन हो उठेगा, आपसे बात करेगा। तो ये कैसा लगा वशीकरण, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिखना। आगे फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वशीकरण के साथ, ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें भी, कोई परेशानी आती है, तो स्क्रीन पे दिए हुए पे नंबर पे आप कॉल पे बात कर सकते हैं, गुरुमा से बात कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। आगे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।